हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो की मदद से मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला हूँ। कैसी हेल्प हो तो आप वीडियो देखकर जान ही जाएंगे। जिन लोगों को इस तरीके के बारे में पता है वो तो यही कहेंगे कि चल चल सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाले। दोस्तों, आप सभी को बर्थडे विश करते हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी या फिर किसी तरह का मैसेज, टेक्स्ट मैसेज तो करते होंगे, लेकिन दोस्तों कई बार आप भूल जाते हो किसी को मैसेज करना। आपको ज़रूरी काम होता है कि उसको मैसेज करना है, लेकिन भूल जाते हो, या फिर किसी को टाइम पर बर्थडे विश करना है, मैरिज एनिवर्सरी विश करना भूल जाते हो। तो आपको पता है ना, जब आप बर्थडे विश नहीं करते हो तो क्या होता है, लग जाते हैं बुरी तरह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मैसेज शेड्यूल कैसे कर सकते हो। मैसेज शेड्यूल नहीं समझे ना, चलो मैं बता देता हूँ। तो बर्थडे का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको 4 दिन बाद या 1 महीने बाद किसी को बर्थडे विश करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल तरीके से बर्थडे विश करते हो तो उसके लिए आपको क्या होता है कि जिस डेट को, यानी 5 तारीख है, तो आपको 4 तारीख को रात को 12:01 पर बर्थडे विश करना होता है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैसेज शेड्यूल में क्या होता है कि आप अभी एक शेड्यूल बना के छोड़ दो मैसेज का कि इस तारीख को इतने बजे ये मैसेज उस आदमी के पास पहुंचना चाहिए या फिर उस नंबर पे, तो वो मैसेज अपने आप चला जाएगा। चौंक गए ना, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल सच बात है। आप मैसेज को शेड्यूल करके भेज सकते हो, जिससे कि आप अगर भूल भी जाते हो तो वो मैसेज अपने आप चला जाता है। तो ये कैसे होगा, आप ट्रू कॉलर का यूज़ करते होंगे, ये ट्रू कॉलर की मदद से होगा। ट्रू कॉलर में एक नया फीचर आया है मैसेज शेड्यूल का, जिसमें हम मैसेज को शेड्यूल करके भेज सकते हैं। अभी से हम किसी मैसेज का शेड्यूल लगा देते हैं तो उस जिस तारीख का हम लगाते हैं, जिस समय का लगाते हैं, वो वहाँ पर अपने आप उस दिन चला जाता है मैसेज। तो अभी तक जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं अपनी मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप वो मैसेज भेज सकते हो शेड्यूल करके। शेड्यूल वाला मैसेज भेजने के लिए आपको पता ही है, ट्रू कॉलर डाउनलोड करना है। तो ट्रू कॉलर पर आना है, डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जिसको मैसेज भेजना है उस पर आना है और मैसेज पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ से तो हम नॉर्मल मैसेज भेज सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो घड़ी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे। लिखने के बाद ही क्लिक करना, जैसे लिखने के पहले अगर आप इस घड़ी पे क्लिक करते हो तो नहीं होगा, आपको पहले लिखना है उसके बाद इस घड़ी पे क्लिक करना है। अब ये टाइम पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे भेज रहे हो, तो आप देखते हो दे सकते हो, हाईएस्ट आप वो 1 साल तक भेज सकते हो किसी को मैसेज। तो मेरे को 1 तारीख 2020 को ये मैसेज भेजना है किसी को, और उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब आ गया टाइम सेलेक्ट, आपको कौन से टाइम पर भेजना है। तो ये देखो, मेरे को 9:19 नहीं, मेरे को 8:00 पर भेजना है। फिक्स 8 बजते ही उसके पास मैसेज चला जाना चाहिए AM, ठीक है। शेड्यूल SMS कर देता हूँ, ये लो हैप्पी बर्थडे जा चुका है। शेड्यूल्ड SMS 1 दिसंबर 8 AM को ये मैसेज उसके पास जाएगा ही जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से ये शेड्यूल हो चुका है और अब ये इसी टाइम को जाएगा। तो इस तरह से आप हैप्पी बर्थडे के अलावा बहुत सारे मैसेजेस वो यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही ट्रिक है ट्रू कॉलर की तरफ से। इसके अलावा आप यहाँ से ऊपर से आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने कितने मैसेज शेड्यूल किए हुए हैं। तो ये देख लो आ गया। दोस्तों यार, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक मैसेज के बारे में बता दिया, और अगर आप भूल जाते हो तो आपको मैंने बता लिया कि किस तरह से आप मैसेज को शेड्यूल करके भेज सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, सच में अगर आपको यूज़फुल लगी तो लाइक करके जाना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कितनी यूज़फुल हुई या फिर कैसी लगी वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।